हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको ज़ातर पिज़्ज़ा सिखा रही हूँ। इसके लिए जिस चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें मुझे ज़ातर पाउडर चाहिए, ये मैंने 5 टेबल स्पून पाउडर लिया है। ऑयल चाहिए मुझे ओलिव ऑयल, ये लिया है मैंने 3 टेबल स्पून। और ये आपको क्रीम चाहिए, चीज़ चाहिए, चीज़ मैंने ली है इसके अंदर 3 टेबल स्पून। तो पहले ऐसा करते हैं कि हम अपने ज़ातर को ना मिलाते हैं इसमें ये ओलिव ऑयल। ज़ातर में आपने ओलिव ऑयल मिला के पेस्ट बना लेनी है। ये अरबिक डिश है, जरूर ट्राई कीजिएगा, अरबिक पिज़्ज़ा है। ठीक है, ये मैंने इसका पाउडर बना लिया। थोड़ा सा मैं दिखाना भूल गई थी आपको, सॉल्ट है, सॉल्ट में जो है रोटी के ऊपर ही डाल रही हूँ। ये मैंने अपनी इसको पैन के अंदर मैंने ग्रीस करा, ग्रीस करने के बाद जो मैंने डो था वो डो इसके ऊपर मैंने लगा दिया है। ये मैं आपको बताना भूल गई थी, दो डो मैंने इसके ऊपर लगा के पहले से रख दिया था। तो डो की रेसिपी आप मेरी, पिज़्ज़ा डो की रेसिपी आप मेरी फॉलो कर लें, वीडियो है उसकी वो देख लें। और इसी तरीके से बस आपने इसे ग्रीस करके उसके ऊपर रोटी लगा के 15 मिनट तक इसको छोड़ दें। मैंने इसके ऊपर ज़रा सा सॉल्ट डाल दिया, पिंच ऑफ सॉल्ट है इसके अंदर चला गया, ये मेरी चीज़ चली गई इसमें। चीज चली गई, चीज के बाद ही हमारी ये सारा चला गया। अभी मेरा जो ज़ातर का मैंने मिक्सचर बनाया है ये चला गया इसके ऊपर। टेस्ट बहुत अच्छा होता है, ज़रा सा खट्टा खट्टा होता है। ओलिव ऑयल के अंदर ही आप इसको वो कीजिएगा, इसकी पेस्ट बनाइएगा ना। ज़रा सा इसको और कर लेते हैं किनारों तक, ताकि सारे में ही इसका टेस्ट आ जाए। डो को बिल्कुल आप वैसे ही बनाइएगा जैसे मैंने वीडियो में बनाया हुआ है, पिज़्ज़ा डो उसी डो से बनेगा ये। उसी डो का आपने पेड़ा लेके ग्रीस करके इसके ऊपर लगा दें 15 मिनट, आधा घंटा कम से कम, आधा घंटा 15 मिनट रख दें। अच्छा है जब ये रेस कर जाए तो फिर आप इसके ऊपर ये चीज़ें लगा लें। ठीक है, किनारे पे भी हमने कर लिए। थोड़ी सी मैंने आधी ओनियन काटी है, ये देखें इस तरीके से ओनियन लगा दें आप इसके ऊपर गार्निश करने के लिए। वैसे अगर चाहें तो सिर्फ ज़ातर और ये भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर कुछ ज़रा सा उसको डेकोरेट करना है तो थोड़ी सी ओनियन, और मैंने पिज़्ज़ा ही की तरह बना रही हूँ तो ये फिर मैं उस पर चीज़ें डाल रही हूँ ज़रा सी। ये हमारा ज़्यादातर पिज़्ज़ा रेडी है, मैं इसको बेक करने रखती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। सही, इसको ज़रा सा अंदर कर दें क्योंकि हमने इसमें मोज़रेला टाइप किया, कोई चीदार चीज़ तो है नहीं, ताकि ये अंदर चला जाएगा तो चिपक जाए सारी चीज़ें। इसको हाथ से इस तरीके से अंदर कर दें ताकि सारी चीज़ें इस पर चिपक जाएँ। ठीक है, अब इसको मैं ओवन में रखती हूँ, देख करके फिर आपको दिखाती हूँ।
हाँ जी, देखिए मेरा पिज़्ज़ा जो है ना, इसका ज़ातर का रेडी हो गया है। तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, गर्म हो रहा है ये। आप घर में बनाए तो ज़रा सा ठंडा हो तो फिर ही खोलें, सेट हो जाए तो। अब आपकी मर्जी है कि आप इसकी थिकनेस कितनी ही रखें। ये मैंने ज़रा क्रिस्पी बनाया है, साइड से मोटा है तो आपको साइड से ज़्यादा मोटा ही रखना है। ये मैं इस पर एक पीस काट के दिखाती हूँ। इसका बहुत गर्म हो रहा है, ये देखें जी, ये ऐसे होगा। इसकी थिकनेस देखें, बीच में से पतली है, साइड में से मैंने इसको, उसके जो किनारे हैं वो मोटे रखे हुए हैं। और ऐसे ही रखिएगा, देखें फॉर्म, देखें नीचे से देखें, ये इसका फॉर्म देखें, ये रेडी है। एंजॉय करें और मुझे बताइएगा कि आपको ज़्यादातर पिज़्ज़ा कैसा लगा। दुआ में जी याद रखिएगा और सब्सक्राइब कराएं चैनल को, ताकि आप तक मेरी रेसिपी जल्दी से पहुंच जाए। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।